मंच जिसमें देश और विदेश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं ने भाग लिया, एक ऐसा मंच जिसमें निवेशकों को मौका मिला अपनी अंतर्दृष्टि, अपने विचारों को सभी के साथ साझा करने का, और साथ साथ सरकार के लिए भी ये एक बहुत शानदार अवसर था अपने स्ट्रॉन्ग मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। तो इस की सफलता का अनुमान भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें कुछ 20,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। इसकी सफलता का आपको और अधिक ब्यौरा देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय कर्मनिष्ठ औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता जी को, नंदी जी को, जिनका उत्साह और प्रतिबद्धता इस सम्मेलन को आकार देने की तरफ बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आज सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रगति एवं आर्थिक उन्नति महोत्सव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन कार्यक्रम में उपस्थित भारत की अस्मिता एवं स्वाभिमान की शीर्षतम प्रतीक तीनों सेनाओं की सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की प्रतीक हम सब की अभिभावक उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के शिल्पकार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माता, हम सब के अगुवा प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सहयोगी माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, IIDC श्री अरविंद कुमार जी, फिक्की के प्रेसिडेंट सुब्रकांत पांडा जी, CII के प्रेसिडेंट श्री संजीव बजाज जी, देश और दुनिया के कोने कोने से आए हुए डेलीगेट्स, सरकार के सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने GIS 2023 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की तरक्की की बुनियाद भारत की तरक्की पर आधारित है और भारत की तरक्की का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये हमारे लिए मंत्र भी है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षाओं को साकार करने की दिशा में GIS 2023 मील का पत्थर साबित हुआ है। यह 3 दिवसीय आयोजन आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के गरिमामय उपस्थिति में अभूतपूर्व सफलता एवं परिणामों के साथ विराम ले रहा है। यह कार्यक्रम विराम का जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की औद्योगिकी विकास की यात्रा के नए अध्याय का आरंभ है। ये 3 दिन उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं।
वरदान साबित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि प्रत्येक प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। हमें प्रारंभिक लक्ष्य से लगभग 3 गुना से भी अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इस समिट की ऐतिहासिक सफलता का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म प्रोफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक ओर प्रदेश की आध्यात्मिक धरोहर को सजाया और संवारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नए पंख लगे हैं और नई उड़ान मिली है। एक ओर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, विश्व के करोड़ों सनातनियों के सपनों को साकार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के रक्षा के तंत्र को नई मजबूती दे रहा है। एक ओर बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर महादेव के भक्तों को गदगद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के मार्ग पर ठोस कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक ओर निवेश के महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्म के महाकुंभ 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर आरंभ हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जल्द ही समय में उत्तर प्रदेश को 21 एयरपोर्ट के साथ 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे में लगभग 40% की आप 40% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, और जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे 6 और एक्सप्रेसवे बनने के बाद लगभग 50% से ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन एवं खपत के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। इस समिट के दौरान अलग अलग सेशन में डिफेंस, टूरिज्म, एविएशन, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, आईटी, मेडिकल समेत अन्य कई महत्वपूर्ण सेक्टर के पर केंद्रित चर्चाओं में का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों के माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्टेक होल्डर के साथ बैठकर इन सेक्टर में आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन अध्ययन करके यह प्रदेश औद्योगिक विकास में प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट को दर्शाता है। GIS 2023 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को नई रफ्तार प्रदान की है। निश्चित ही रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मठता एवं सतत परिश्रम से उत्तर प्रदेश नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने को साकार करेगा। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि आभार करते हुए, सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, इस पंडाल में उपस्थित एक एक जन का, प्रत्येक जन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
और देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हम सभी को प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है। उनकी गरिमामय उपस्थिति से यकीनन ये कार्यक्रम और भव्य बना है और गरिमापूर्ण बना है। तो सभी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी को विशेष आभार व्यक्त करते हुए हम एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं और मैं माननीय गवर्नर साहिबा, हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल और साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि वह माननीय राष्ट्रपति महोदय को भगवान गणेश की ये मूर्ति भेंट करें। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ परिवारजनों की तरफ से विशेष आभार इस विशेष स्मृति चिन्ह के माध्यम से। देवी सज्जनों, कहते हैं कि सोच बदल के देखिए सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलने की ज़रूरत नहीं है, नज़रिए को बदल के देखिए नज़ारे बदल जाएंगे। और देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच और नज़रिया दोनों बदला है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रहा है, जिसमें इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपना विश्वास दिखाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं उनके विचारों के लिए। देवी सज्जनों, श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, फिक्की, सीआईआई समेत तमाम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने और उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के इस वैश्विक महाकुंभ को, निवेश महाकुंभ को 10 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरी दुनिया के अंदर
पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा उसका लाभ हमें जीआईएस 2023 में उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन के साथ भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। जहां पर वैश्विक व्यापारिक समुदाय निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम, पूरी दुनिया को आज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या या फिर कान्हा की मथुरा और वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में होने का सौभाग्य तो है ही। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम की त्रिवेणी भी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। भगवान बुद्ध की पावन साधना स्थली और बचपन में जिस राज परिवार के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करके अपने बचपन को जहां से उन्होंने आगे बढ़ाया था, वह पूरा क्षेत्र हो, उपदेश की प्रथम भूमि हो या महापरिनिर्वाण की पावन भूमि, उत्तर प्रदेश की धरती को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ ही अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। ये विद्या की धरती तो है ही, विद्या के साथ साथ परंपरागत उत्पाद में प्रत्येक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट उत्पाद थी। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आज वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी रखता है। उत्तर प्रदेश के पास दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसी एक राज्य में निवास करती है तो उत्तर प्रदेश के पास ही निवास करती है। ये अपने आप में एक श्रम बाजार भी है और सबसे अधिक स्किल और अनस्किल यूथ पावर के साथ भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के ध्यानाकर्षण के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के उस मूल मंत्र को अंगीकार किया, अनेक सेक्टर्स की अपनी पारदर्शी नीतियों को ला करके व्यापारिक समुदाय के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने और तकनीक का भरपूर उपयोग करने के लिए एक मंच दिया, 4 स्तंभों में हमने इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला जो निर्णय था कि कोई भी यहां पर व्यापारिक समुदाय या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी एक सेक्टर में निवेश के लिए हमारे साथ एमओयू करता है तो उनके सभी प्रकार की समस्या निवारण के लिए वहां पर पहले
हम निवेश सारथी के माध्यम से उस समस्या के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। एमओयू होने के बाद उस समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल की सुविधाओं से प्रदान की गई। निवेश मित्र के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में प्रत्येक उस निवेशक के साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी निवेशक के साथ में उपलब्ध करवाने का कार्य करने की व्यवस्था की है, तो वहीं साथ ही साथ जिनका निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश की धरती में अब तक संपन्न हो चुका है, उन सभी निवेशकों को समय से उनका इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। आज इसी का परिणाम है कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव, और ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में ये निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है, और 75 जनपदों में भी जो सबसे हमारे कमजोर जनपद माने जाते थे, कमजोर रीजन माने जाते थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, अकेले पूर्वांचल में 9,54,492 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और बुंदेलखंड के लिए 4,27,873 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें निवेश के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए हमारे सहयोगी मंत्री समूहों के द्वारा हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने सभी सहयोगी टीम के माध्यम से व्यवस्थित रूप से धरातल पर उतारने का कार्य होगा। और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 93 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इसके माध्यम से उपलब्ध कराने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन असीम संभावनाओं में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस एक बड़े प्रयास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, 3 दिवसीय निवेश महाकुंभ के माध्यम से आज आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम समारोह की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह समारोह नहीं बल्कि नए भारत के औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के रूप में हम इसे वैश्विक समुदाय के सामने रखेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को आगामी कुछ वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करते हुए देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसे स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर अपने उन सभी वैश्विक समुदाय से जुड़े हुए सभी निवेशकों से और अपने उन सभी सहयोगी पार्टनर से भी इस बात के लिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, जिन देशों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर अपनी सहभागिता की। 40 देशों से जुड़े हुए लोग इस व्यापारिक इस निवेश महाकुंभ में सहभागी किए थे, जिसमें 10 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में अपना सहयोग किया था, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात,
यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ये हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में इस पूरे निवेश महाकुंभ में सहभागी किए थे और साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो चीजें हम सबको देखने को मिली कि 3 दिनों में 30 सत्र आयोजित किए गए जिसमें विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट और पार्टनर कंट्रीज के इन सत्रों में सरकार और उद्योगपतियों के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्रियों में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी का, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, इन सभी माननीय मंत्रियों के साथ ही डेनमार्क, यूएई और यूके के मंत्रियों ने भी इसमें सहभागिता की। 9 देशों के उच्चायुक्त और राजदूतों के साथ साथ देश के सभी प्रमुख उद्योगपतियों ने भी इस निवेश महाकुंभ में अपनी सहभागिता यहां पर सुनिश्चित करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विशाल ट्रेड शो भी आयोजित हुआ जिसमें 170 से अधिक निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों, 40 से अधिक राज्य सरकारों के विभागों और प्राधिकरणों, 50 से अधिक एमएसएमई और 100 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों एवं व्यावसायिक सेवाओं का भी यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 12 विदेशों और 17 विदेशी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संघों का भी भागीदारी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें प्राप्त हुआ है। 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 500 से अधिक B2G बैठकें, 1100 से अधिक B2B बैठकें आयोजित की गई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 25,000 से अधिक लोगों ने इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता के माध्यम से इसमें प्रतिभाग किया। 40 देशों के 1,000 से अधिक डेलीगेट्स भी इसमें सम्मिलित हुए और जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें 43,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOUs यहां पे प्राप्त हुए हैं जिन्हें हमें सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतारने में हम लोग कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आज आपका प्रदेशवासियों को औद्योगिक निवेश, विकास और युवाओं के लिए रोजगार के इस महाकुंभ के अवसर पर आज महामहिम आपका आशीर्वाद प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से निवेश महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने सभी निवेशक बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश उनके लिए निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य होगा। उनका निवेश उत्तर प्रदेश के साथ साथ उनके स्वयं के लिए भी अत्यंत फलदायी साबित होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उत्साहवर्धक और प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। और अब आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश की अग्रणी विचारधारा वाली हमारी माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को। उनसे मैं निवेदन करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं श्री
केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, माननीय उद्योग विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री सुभ्रांत कांत पांडा जी, CIA के अध्यक्ष श्री संजीव बजाज जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देश की आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दूसरी इन्वेस्टर समिट तथा प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय, नीति निर्धारकों, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी देती हूँ। इस उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं औद्योगिक नीतियों को निवेशकों के सामने रखकर उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करना है। मुझे विश्वास है कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि प्रदेश की इस महत्वपूर्ण इन्वेस्टर समिट का समापन देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन परसों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मात्र यह औपचारिकता नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कितने गंभीर हैं, यह इस बात का संकेत है। प्रधानमंत्री जी तो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के माननीय सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। राजनीति नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह देश है, अपनी विशेषता को बनाए रखे हुए हैं। विगत 5-6 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तर प्रदेश अपनी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। यह देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। अब यूपी मतलब शिक्षा का हब, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट हब और यूपी मतलब निवेश फ्रेंडली माहौल वाला प्रदेश। समिट के उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में से ज़्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन के अनुरूप राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आया है और वह जमीनी धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश ने इस अवधि में अपने निर्यात को 2 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारे प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, जिससे यहाँ देश एवं विदेश के अनेक औद्योगिक घरानों ने अपना उद्योग स्थापित करने के लिए इस इन्वेस्टर समिट में सहभाग किया है। यह हमारे प्रदेश के युवाओं के रोजगार सृजन में महती भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ज्ञात हुआ कि इस समिट में लगभग 18,000
से ज़्यादा एमओयू प्रदेश सरकार के साथ हुए हैं। इनसे प्रदेश में अब तक 32 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इससे राज्य में 92,50,000 से अधिक नौकरियों एवं रोजगार की संभावना बनी है। मुझे आशा है कि इसमें अभी और वृद्धि हो सकती है। मुझे बताया गया कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। निवेश सारथी नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है जो एमओयू हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आसान करेगा तथा निवेशकों के प्रश्नों शिकायतों के निवारण